हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट। इसका नाम है एकलीफा विल्केसियाना। तो बहुत ही टफ नेम है और प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, मगर इसका यही नाम है। तो शॉर्ट में हम लोग इसको एकलीफा प्लांट बोल सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही एक कॉमन प्लांट है, और जितना कॉमन प्लांट है उतना अनकॉमन इसका नेम है और टफ भी है। तो अगर किसी को इसका नाम पता है कि इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, ये एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के लिए बहुत सूटेबल प्लांट है। मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है इधर। तो इस कारण आप इसको रोड साइड में और रोड में जो डिवाइडर होता है उसी में, और फिर पार्क में, और जहां पे लैंडस्केप गार्डनिंग होता है वहीं पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। और लैंडस्केप गार्डनिंग में तो ये हेज का काम करते हैं, मतलब हेज प्लांट के लिए इसको यूज करते हैं। और हम इसको गार्डन में रखते हैं फोलिएज के कारण, मगर जो लैंडस्केप गार्डनिंग होता है वहां पे हेज प्लांट के रूप से ये मिलता है। और इसमें और एक वैरायटी होता है रेड कलर का, और रेड में जैसे क्रोटन की तरह बहुत सारे कलर्स भी खिलते हैं, जैसे थोड़ा येलो, थोड़ा ग्रीन वैसे। और ये जो ग्रीन वैरायटी है इसमें भी कलर खिलता है, जैसे येलो, वाइट, ऐसे डिफरेंट कलर वेरिएशन होता है, मगर वो डिपेंड करता है प्लेसमेंट के ऊपर, आप इसको कहाँ रखें। तो फ्रेंड्स, आप इसको केयर के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसका सनलाइट, देखिए ये सन लविंग प्लांट है, इसको आप जितना धूप प्रोवाइड करेंगे उतना इसमें कलर खिलेगा। और मेरा जो ये प्लांट है, इस ये टेरेस के ऊपर है और मेरा टेरेस में शेड है, शेड के कारण इसको जितना मतलब सनलाइट के रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिलता है, शायद इसलिए ये ग्रीन है। अगर इसको हम ठीक से प्लेसमेंट करें तो इसका कलर शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंट कलर वेरिएशन इसमें दिखाई देगा। तो मैं सोच रही हूँ ये जो छोटा सा प्लांट है इसको मैं इस साइड के बालकनी में अब रखूंगी, जहां पे 3-4 घंटे का धूप मिले, और फिर इसमें शायद कोई और कलर खिलेगा तो मैं आपके साथ तब शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सनलविंग है, इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां पे इसको इसके ऊपर एटलीस्ट 4-5 घंटे का धूप पड़े इस पे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट। और मई जून में जो स्कॉर्चिंग हीट होता है तभी इसको, मतलब सुबह इसको अगर धूप मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना दोपहर का जो स्कॉर्चिंग हीट होता है तभी इसको थोड़ा शेड प्रोवाइड करें, बाकी टाइम तो ठीक है, ये सन में रह सकता है। नेक्स्ट है इसका सॉइल, इसको तो हर प्लांट की तरह वेल्ड्रेन सॉइल ही चाहिए, मोस्टली हर प्लांट को ही वेल्ड्रेन सॉइल पसंद होता है। तो इसको सॉइल आप जैसे और प्लांट्स के लिए बनाते हैं, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला के बना लीजिए। और फिर है इसका वाटरिंग, तो देखिए इसको रेगुलर चाहिए और मॉडरेट वाटरिंग चाहिए, मतलब रेगुलर चाहिए, मगर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगर रूट में पानी रह जाए तो इसका रूट रॉट होने का चांसेस होता है। तो वेल्ड्रेन सॉइल के कारण इसका एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, और इसका मिट्टी में थोड़ा मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो इसलिए इसको रेगुलर वाटरिंग करें, लेकिन वेल्ड्रेन सॉइल में इसको लगाएं ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। फिर है इसका इन्फेस्टेशन, यानी कि पेस्ट अटैक। तो इसमें इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता है, फिर भी ये फोलिएज प्लांट है तो मिलीबग का कभी अटैक होता है, या तो कभी स्पाइडर माइट का, या और प्लांट्स के साथ रहते हैं तो कभी कभी जो पत्ते खाने वाले जो कीड़ा होता है वो उसका भी अटैक होता है। तो तब आप नीम ऑयल वगैरह स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल या तो नीम पत्ते का जो पानी होता है
स्प्रेयर में लेके वो पानी स्प्रे कर सकता है, नहीं तो आप एक लीटर वाटर में एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच लिक्विड हैंड वॉश मिला के भी डाइल्यूट करके वो पानी भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप मंथ में एक बार कर दे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है इसका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो देखिए ये थोड़ा नाइट्रोजन अगर इसको आप दे तो ये फुलेज प्लांट के लिए अच्छा होता है, मगर हर प्लांट के लिए तो अलग अलग मुश्किल है, अलग अलग केयर लेना। तो साल में जैसे दो बार सितंबर और फरवरी में हम हर प्लांट को थोड़ा फर्टिलाइजर देते हैं, तो ऐसे भी आप दे सकते हैं एक बार सितंबर में और एक बार फरवरी में। नेक्स्ट है इसका प्रोपागेशन। देखिए इसका बहुत इजी प्रोपागेशन है, इसका एक स्टेम ले लीजिए और लगा दीजिए सॉइल में डायरेक्टली, तो ये ग्रो हो जाएगा। देखिए ये जो प्लांट है ये मैं रोड साइड से एक इसका स्टेम लेके आई थी और उसको मैंने डायरेक्ट सॉइल में लगा दिया तो ये ग्रो हो गया और फिर ये काफी मतलब टॉल होता है, इसका हाइट 10 फीट हो जाता है। तो मेरा प्लांट इतना तो नहीं मगर फिर भी टॉल हुआ था, तो किसी कारण ये टूट गया था तो एक ब्रांच लेके मैं फिर इधर लगा दिया, तो देखिए ये भी ग्रो हो रहा है अच्छी तरह से। तो यही है फ्रेंड आज यही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।